हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अपने सेकंड व्लॉग के साथ आए हैं और ये हम गए थे रायपुर के चोकरधानी घूमने। चलिए आपको भी हम घुमाते हैं अपने साथ। ये है रायपुर का चोकरधानी, ये आप मेन गेट देख रहे हैं। यहाँ से एंटर करते ही राइट साइड में आपको टिकट काउंटर मिलता है। यहाँ से एंटर करने के बाद ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने अपने टिकट्स ले लिए। पर पर्सन 850 पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ से अंदर गए, उन्होंने हमें सबसे पहले तिलक लगाया, तिलक करके हमारा वेलकम किया। देखिए अंदर ये पूरा राजस्थानी लुक में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें वेलकम ड्रिंक सर्व की गई। ये है फ्रेंड्स वेलकम ड्रिंक का काउंटर, जहाँ भैया आम पना बना रहे थे। और ये रहे भैया जिन्होंने हमें आम पना सर्व किया। गर्मी में ठंडा ठंडा आम पना पीने का मजा ही कुछ है। ये देखिए भीड़ देख रहे हैं आप, ये एक ज्योतिष महाराज हैं, उनसे लोग अपना वर्तमान और भविष्य जान रहे थे। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। हम फिर आगे बढ़े और फिर हमने ऊँट सवारी करी, ऊँट पर बैठे हम लोग दोनों। सवारी के बाद हम लोग तांगे में बैठे फ्रेंड्स, तांगे के भी मजे लिए हमने। ये देखिए तांगे पे बैठने के बाद हम लोग बैलगाड़ी में बैठने गए, तो वो वहाँ फोटो खिंचा रहे थे, तो वो भैया बोले ये लेफ्ट वाला बैल मारता है। तो हम चुपचाप आके बैलगाड़ी में बैठ गए और हमें फिर वो गाना याद आ गया। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर। फिर हमें भूख लग गई थी तो हम सोचे चलिए थोड़ा पेट पूजा की जाए, तो हमने चाट पापड़ी और दही भल्ले का मजा लिया। ये फिर राजस्थानी कला दिखाते हुए, काफ़ी लोग थे फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी देर में बैठते थे ये लोग, फिर वापस अपनी कला का कला दिखाते थे, बहुत ही अच्छे। लाफिंग मिरर में आए, कुछ खास मज़ेदार तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम हर मिरर में अपने आप को देखें, कुछ ज़्यादा हमें हंसी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से निकलने के बाद उसने मेहंदी लगवाई अपने हाथों में और वूल की ब्रेड चोटी करवाई। ओ तेरे हत्ता विच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है, मेरी पन्नो प्यारी प्यारी। फिर हमें भूख लग गई थी फ्रेंड्स, 7 बज गए थे, फिर हमने खाना खाया, खाना बहुत ही शानदार था, अच्छा खाना था। फिर खाना खा के हम लोग घर के लिए निकल गए, और जाते जाते थोड़ा सा वो ड्रम वाले भैया खड़े थे, ढोल वाले भैया, तो हमने भी थोड़ा सा ढोल बजाया। वो बोले चलिए आप लोग जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं तो डांस करिए, तो हम लोग थोड़ा सा डांस किए फ्रेंड्स, फिर हम घर के लिए निकल आए। अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स चोकरधानी का, एक बार जाइए, आप लोग भी घूम कर आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए।
तो फ्रेंड्स हमारे इस व्लॉग को और प्यार दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।